गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम सुबह सुबह ही आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे होली का दहन होना है, तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह वीडियो बनाने आ गया। तो ये देखो यहाँ पे कैसा हो रखा है, अच्छा लग रहा है, इन्होंने पूरी मेहनत से बना रखा है। और शाम को होगा होलिका का दहन। सो फ्रेंड्स, हम लोग गए थे होली की शॉपिंग करने, जिसका इंट्रो एज यूजुअल हम लोग बनाना भूल गए, तो मैं भी बना देता हूँ। तो अभी हम लोग, मैं आपको पहले वीडियो देख लो, हम जो सामान लेने गए थे उसकी, उसके बाद आगे तब वीडियो देखना। प्राइस भी उतना ही होगा उसका, प्राइस भी उतना ही होगा। 300-400 का होगा। 700। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे घर में बन रही है गुजिया, जो कि आप लोगों के घर में बन चुकी होगी, या कई लोग बाहर से ले आते हैं, लेकिन हम लोग घर पे ही बना रहे हैं गुजिया। तो यहाँ पे मैं, ये नारियल है और इसको घिस रहा हूँ, और इधर मम्मी मम्मी बना रही है, ये डो बना रही है उसका, गुजिया, गुजिया का, गुजिया गुजिया घू घू नहीं गु घू गुजिया का डो बना। सिर्फ ऊपर चाय पी रही है, इधर पापा बैठ के आराम फरमा रहे हैं। पापा भी गाना गा रहे थे। फ्रेंड्स, कोई गुजिया ना बनाए, बाहर से लिया है, 200 रुपए किलो। फ्रेंड्स, गुजिया के कद्दूकस के साथ किसी की उंगली भी आ चुकी है। ये देखो, इगली इगली इगली। कैसे? ओ बेटे की जान। अरे ये तो खून बह रहा है। सो गाइस, मेरे से तो हुआ नहीं कद्दूकस, मेरे तो उंगली मैंने कटवा ली। अब यहाँ पे मम्मी कर रही कद्दूकस। यहाँ पे मम्मी कर रही है अब कद्दूकस, डो बनाने के बाद। जो नल्ले होते ना, नल्ले, उनकी बस की नहीं होती कुछ भी। सो गाइस, सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे सूजी डल चुकी है, इस पे नारियल डल रहा है, और बस ये दोनों मिला दिया। यहाँ पे अभी पक रहा है ये, जो उसके अंदर हमें डालना है गुजिया के अंदर। बाहर क्या हो रहा है, डांस वीडियो चल रही है, ये टैडी यहाँ बैठ रखा है, और सिस्टी क्या है, मुंह में घुसेगा। मैम, ऑटोग्राफ, मैम, मुझे ऑटोग्राफ देना नहीं आता। मैम, अंगूठा, मैडम अंगूठा। जा, मम्मी क्या बोल रही है? क्या? तो फ्रेंड, हुआ ये रहा खोआ, अभी खोआ भी जाएगा इसके अंदर। देखो कितना सारा खोया है, ये सारा बाहर आएगा, ये हो चुका है, ये गया फ्रेंड्स खोया अंदर। देखो कितना सारा खोया है, पापा मांग रहे थे थोड़ा फिर खाने के लिए। इसमें डल चुका है वो जो खोया डाला था, खोए के बाद वो जो उड़ाला था वो डाल दिया, उसके बाद ये डाल दिया है। क्या है ये? पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी जो आती है, बोलते क्या बोलते हैं? अच्छा, बोल रही थी मैं बुरबुरा। क्या बुरा? बुरा, मीठा बुरा। तो ये डल के, क्योंकि अगर आप चीनी डालोगे तो बहुत आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, बुरा डालना ज़्यादा बढ़िया है। और इसके बाद आपका कुछ ऐसा बन जाता है, और आपका सारा मसाला रेडी हो गया। इसके बाद आपको जो
सो फ्रेंड्स पिछले दो सालों से तो हम पहले पहले क्या होता था ना, पहले हम सब मिलके करते थे आस पड़ोस सब, अब चक्कर ये सभी बिजी हो गए। आप सो फ्रेंड्स सोच रहे हो इसमें ड्राई फ्रूट क्यों डाला हमने, ड्राई फ्रूट हमें पसंद नहीं है, हम खाते नहीं तो वेस्ट करना बेकार है, उसे अंदर से निकाल के खाएंगे हम क्या फायदा। तो ये हम फिर भी खा लेते नारियल जो है, बाकी आप बनाओ तो आप डाल सकते हो, बनाओ क्या तो होली निकल गई, वैसे कभी मन करे तो आप बना सकते हो। सृष्टि को देखो सैंड की फ्रेंड, वो देखो कौन है यूट्यूबर, कौन है रचित, पता नहीं आजकल इसी की वीडियो चलते रहती हमारे घर पे। सो फ्रेंड्स हमने इस बार देखो कोरोना चल रहा है तो इस कारण ही, नहीं तो मैं हर बार बहुत सारे कलर लेके आता था, पक्के कलर सब, लेकिन बस मैं पक्के कलर में सिर्फ बैलून में डालता था और फेस पर कभी नहीं लगाता था, ना किसी को लगाने देता था, क्योंकि आप पूरे साल फेस साफ करते हो और पक्के कलर लग के एक बार में ख़राब हो जाता है। तो इस बार भी हम लाए नहीं कलर, लेकिन फिर भी शगुन कलर लाना होता थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई आ जाता तो अच्छा नहीं लगता ना कि फिर, लेकिन हम लाए हैं कलर, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो फ्रेंड्स हम ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए, एक ये गुलाल का पैकेट लाए हैं कोक ब्रांड का, ये भी हम कंपनी का लाए, ऐसे मत लाना कलर क्योंकि नहीं तो फिर आपको एलर्जी हो सकती है। चिप्स वाले पैकेट में ये दो हम गुलाल के पैकेट लाए हैं, कि पिंक और ये पापा लेके आए हैं ग्रीन, और ये हम छोटा सा बैलून का पैकेट लाए हैं सिस्टिक वो भी, और ये पिचकारी, क्योंकि पिचकारी भी आप पता है मैं सही बोलूँ ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि हर बार क्या होता है कि आप पिचकारी मैं हर बार महंगी लेके आता था लेकिन चार दिन में नहीं चलती, वो चार दिन में ख़त्म हो जाती है, तो इस बार मैं सबसे सस्ती वाली जो होती है वो लेके आया हूँ, क्योंकि बैलून ही भरने होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने हमारे कलर वलर तो देख लिए, और आज ये वीडियो मैं डालूंगा क्योंकि आज छोटी होली है, और मैंने आपको सुबह दिखाया भी था कि वहाँ पे कैसा हो रखा है, सो आज छोटी होली है, ये कलर वलर तो हम कल ही ले आए थे, तो हमारी वीडियो आगे पीछे हम शूट करते हैं और वो एक साथ मिला के डालते हैं। तो अभी हम लोग के यहाँ पे ये बुरादा इधर निकल चुका है, बुरादा नहीं बोलते इसको, स्टफिंग बोलते हैं। हाँ स्टफिंग निकल चुकी है, और स्टफिंग निकल चुकी है, और अब वो होगा, हाँ बन चुकी है यहाँ पे। पापा देखो फ्रेंड्स, पापा का दिन भर सुबह से लेके, अगर छुट्टी होती है पापा की तो सुबह से लेके रात हो जाए, लेकिन पापा की वेब सीरीज ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक वेब सीरीज चलते रहती है। ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं होगी जो पापा ने छोड़ दी हो, एक भी वेब सीरीज नहीं छोड़ी, सारी की सारी देखी है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो चाहे कहीं की भी हो, सब देख ली। तो फ्रेंड्स इधर बन रही है गुजिया, वहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे गुजिया ऐसे करके वहाँ पे बिलने के बाद ऐसे हो रहा है, यहाँ पे इतनी सारी बन गई, यहाँ पे इसकी स्टफिंग है, और किचन में यहाँ पे तेल रख दिया, यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है और यहाँ पे गुजिया बन रही है, यहाँ पे देखो ऐसे करके बंद हो गई, ऐसे करके निकल गई। अब मम्मी से अकेले नहीं बन रही थी दोस्तों, तो अब ज्योति दीदी भी आई है बनाने के लिए, अब ज्योति दीदी बेल रही है, मम्मी यहाँ पे भर रही है, देखो कितनी सारी वहाँ पे बन गई, उधर सिस्टर यहाँ पे लोई बना रही है, देखो ज्योति दीदी ने उधर से दी है, मम्मी यहाँ पे ऐसे भर रही है उसमें, कितनी सारी बन गई, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट ये और अंदर है ये, वो कितनी सारी गुजिया बन गई है, और ये अकेले मम्मी बना नहीं पाती तो ज्योति दीदी ने हेल्प करी, ज्योति दीदी और मम्मी ने मिलकर बनाई। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था आज होली का दहन होता है, तो अभी हमारे नीचे जो आंटी रहती है वो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर वीडियो बना के भेजी है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स जो घर में वीडियो बनी है वो तो हमने खुद ही बनाई है ऑब्वियस है, बट जो बाहर की वीडियो है मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने बाहर जाके हमारे लिए वीडियो बनाई हमारे ब्लॉग चैनल के लिए। सो पूजा दीदी ने हमारे लिए जो दूसरी वीडियो थी जहाँ पे जला नहीं था होलिका का वहाँ पे वीडियो उन्होंने बना के दी, और जब होलिका जल गई
तो वो हमारी गली में मोरंटी है, उन्होंने वीडियो बना के दी है। सो थैंक यू आप दोनों को, आप दोनों ने हमारे लिए वीडियो बना के भेजी और हमारे ब्लॉग में मतलब कुछ मिसिंग नहीं हो पाया, सो ये भी हमारे ब्लॉग में आया, तो थैंक यू। और आप लोग देखिए फ्रेंड्स आगे वीडियो ही। फ्रेंड्स हम लोग बना रहे थे शॉर्ट वीडियोस, तो इसके कारण में गुजिया सारी बनके रेडी हो गई। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, सारी गुजिया बनके रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मम्मी बना रही है मट्ठी, क्योंकि ये आप ना साथ के साथ बना सकते हो लेकिन बाद में आप स्पेशली नहीं बना पाओगे, तो अभी कढ़ाई चढ़ी है तो बन जाएगा। गैस की बंद है नीचे, क्योंकि वो धीरे धीरे तेल गर्म हो गया था ना, करारी हो जाएगी। फ्रेंड ये देखो इधर भी है, उधर भी बन के रेडी हो गई, यहाँ पे वो बन रहा है मट्ठी। तो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा था तो इसके कारण थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि टाइम लगता है उसको, हम एट अ टाइम डाल देते हैं, तो इसके कारण ही तब मैं वो दिखा नहीं पाया। तो अभी आपको ब्लॉग भी देना है तो अभी चलिए एडिट करते हैं पहले वीडियो। एंड फ्रेंड्स जो गुजिया बन रही थी वो बन गई और मैंने आपको दिखा दिया बन गई, और उसको हमने मंदिर में चढ़ा भी दिया। मैं फ्रेंड्स देखो यहाँ पे गुजिया मंदिर में चढ़ा दी हमने, ये देखो गुजिया मंदिर में चढ़ा दी। ऐसा भगवान, सबसे पहले भगवान खाते हैं उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। सो भगवान को भोग लग चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखो मम्मी ने नमक पारे और मट्ठी, देख रहे हो आप, दुकान से भी बढ़िया मट्ठी बनी है घर में, भुजिया मट्ठी और नमक पारे बने हैं। तो हमारे तो पूरे महीने का कोटा हो गया पूरा, महीने में रखोगे तुम, चार दिन में इसको सफा चट कर दोगे, इतना सारा बन गया है। वैसे तो हमारी, आपको पता है ना मैं डाइट पे हूँ, अब आप थोड़ी खाता हूँ मैं इतना कुछ, बेटा वो तो पता चलेगा चार दिन बाद जब कनस्तर खाली हो जाएगा। मम्मा मेरी ना डाइट चलती है, आपको पता है, अब मैं प्रॉपर मैं नहीं खाता है सब, बस वीडियो बंद कर लूँ उसके बाद खाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म, और आप लोग जरूर बताना आप लोगों को यार ब्लॉग कैसा लगा, और होली का जो ब्लॉग होगा, होली का ब्लॉग अभी आएगा, ये तो अभी हमारा प्रिपरेशन था तो हमने दिखा दिया, अभी होली का ब्लॉग आएगा तो आप लोग वेट करिए तब तक। सो बाय बाय, टेक केयर, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़।